लिंक अभी शेयर कर दूँ। ठीक है। अच्छा, कल जो हमने डिस्कशन अपना जहाँ पे छोड़ा था वो क्या था, क्विकली एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था, अच्छा मुझे कैमरे को भी देखना है और आप लोगों को भी देखना है जो यहाँ पे बैठे हैं, तो सामने सामने जो होते हैं ना उसके साथ फिर इंट्रैक्शन हो जाता है, जो इधर उधर होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और तो हमें भी शुरू में बड़ा दिक्कत सी होती थी कि यार इसको देखें इधर देखें, क्योंकि हम इसके पीछे भी लोग बैठे हैं और यहाँ भी लोग बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से अब सब लोग कम्फर्टेबल हो ही चुके होंगे, तो अगर किसी की तरफ ना देखा जाए तो नाराज नहीं होइएगा। अच्छा जी, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, आज हमारी कौन सी क्लास है और 22nd 9:21 और ये है सेकेंड क्लास, ठीक है भाई। और हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया था वो क्या किया था, हमने बात की थी अकाउंटिंग के हवाले से, और हमने यहाँ पे कितनी बातें की थी, तीन। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, और उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक किससे होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से। देन फिर हमने बात की थी कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके का है जिसमें हम डेटा को क्या करेंगे, बोलिए, रिकॉर्ड अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसके बाद उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी एक समरी बनाएंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे हम लोग, कम्युनिकेट कर देंगे जो भी इसका यूजर है। फिर हमने साथ में एक नोट बना के लिखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमने क्या बात बोली, इसी हवाले से एक मेथड है, एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर कारोबार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और चौथा फाइनेंशियल पोजिशन हम लोग बताते हैं। आई होप सो मेरे ख्याल से आपको बात रिकॉल भी हो गई होगी और देख भी लिया कि हमने किसी तरह से थोड़ी लंबी बातों को सम अप कर लिया। फिर हमने बात की कि हेड ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास रेवेन्यू है और हमारे पास क्या है, बोलिए, एक्सपेंसेस। फिर हमने बात की एसेट्स के हवाले से, एसेट्स क्या है, हर वो चीज, हर वो कमाने का जरिया, ठीक है जी। दूसरी बात क्या, जिसपे हमारा क्या हो, बोलो, कंट्रोल, और उससे हमें क्या हासिल हो रहे हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल हो रहे हो, ठीक है जी। अच्छा जी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल हो रहे हो, ये हमने बात की। फिर हमने बात शुरू की थी टाइप्स के हवाले से, एक कौन सा होता है हमारे पास करंट एसेट, दूसरा कौन सा है हमारे पास नॉन करंट एसेट, ठीक है जी। करंट एसेट के बारे में हमने क्या बात बोली थी, क्या बात बोली थी, मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ वर्बली बोल रहा हूँ, ये वो एसेट है जिसको हम बेच सकते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है जी। ये वो एसेट है जिसको हम लोग यूज या कंज्यूम कर सकते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर, ये वो एसेट है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में कितने टाइम में, 12 महीनों के अंदर अंदर, तो इसको बेचा जा सकता है 12 महीनों में। अच्छा, शर्त ये है कि वो क्या हो, वो क्या हो, एसेट हो, वो क्या हो, एसेट हो, एसेट मतलब कमाने का जरिया जिसपे हमारा कंट्रोल हो, जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो, ठीक। अब इसमें से वो एसेट जिनको बेचा जा सकता है 12 महीनों के अंदर, जिनको यूज कंज्यूम किया जा सकता है 12 महीनों के अंदर, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में 12 महीनों के अंदर, ठीक है जी। ये किसके बेचने की, किसके यूज कंज्यूम की, किसको कन्वर्ट करने के हवाले से बात हो रही है, बोलो शाबाश, ये क्या है, एसेट, सही है जी। तो अगर ये यूज कंज्यूम बेचा जा सकता हो, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो विद इन बोले 12 मंथ्स, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम देना होता है, करंट एसेट का नाम देना होता है। और तो और ये हमने इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, ये वो एसेट्स हैं जिनका ताल्लुक मेनली किससे होता है, ट्रेडिंग से। तो ये सिंपल सी बात थी मेरे ख्याल से, यहां से लेकर यहां तक जितना भी हमने डिस्कशन किया था, अभी हमने रिकॉल किया, तो जहां कहीं कोई चीज मिस हो रही थी वो अभी याद भी हो गई होगी, दोहरा भी हमने लिया। फिर हमने बात की थी इसकी एग्जांपल्स के हवाले से, क्या हमने डिस्कशन किया था कि सर क्लोजिंग स्टॉक हमारा करंट एसेट है, क्यों करंट एसेट है, क्योंकि करंट एसेट की डेफिनेशन बोलती है कि ये वो एसेट होता है जिसको हम बेच सकते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर, क्लियर हो रही बात, क्लोजिंग स्टॉक वाली बात याद है। फिर हमने बोला था रिसीवेबल, सर रिसीवेबल क्या है, ये वो अमाउंट है जिसकी हमने वसूली करनी है, क्यों,
क्योंकि हमने किसी को माल बेचा था या हमने किसी को सर्विसेज दी थी, किस पे? उधार पे। तो जब आप किसी को माल बेचोगे उधार पे, जब आप किसी को अपनी खिदमत सर्विसेज देंगे किस पे? उधार पे। तो इसका मतलब, उधार का मतलब क्या है कि आपने वसूली करनी है, और अगर वो सर्विसेज या वो माल मैंने लिया है तो मैंने उसकी आपको क्या करनी है, बोलिए, अदायगी करनी है। तो जब बात वसूली की आएगी, ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग टर्म कौन से इस्तेमाल कर रहे थे, रिसीवेबल्स, और ये वो अमाउंट है जिसको हम लोग जब 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा कौन सा एसेट हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। तो जब तक कन्वर्ट कैश में नहीं होता तो वो है क्या, रिसीवेबल है, हमारा एसेट है। तो हम लोग ने उसको कहां पे रिकॉर्ड करना था, करंट एसेट में रिकॉर्ड करना था। तो पहली एग्जांपल क्या, क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट एसेट, रिसीवेबल इज ऑल्सो ए करंट एसेट। सर इसको रिसीवेबल का भी नाम देते हैं, इसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। अभी हमने नाम सिंपल से इस्तेमाल किया, भाई रिसीवर, जो अल्फाज खुद ब खुद दिलो दिमाग से जुबान से निकल आए कि भाई वसूली करनी है, तो उसको हम आसान अल्फाज में क्या बोलेंगे, रिसीव करना है। अदायगी करनी है तो क्या बोलेंगे, पे करना है। तो रिसीवर खुद ब खुद बातों बातों में निकल आया, जिसको हम रिसीवर का भी नाम देते हैं, इसको हम लोग रिसीवर भी बोल रहे हैं, इसको हम ट्रेड TRAD ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, इसको हम लोग डेटर्स का नाम भी बोलते हैं। ये मैं भी बोल तो रहा हूं लेकिन लिखवा दूंगा, आपने सिंपल अभी अल्फाज का याद रखना है, रिसीवेबल। दूसरे और नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, इसको हम लोग डेटर्स भी बोलते हैं। ये सब मैं लिखवा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी हमने सिंपल बात को रखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, बोले रिसीवेबल हो गया, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चा, पहले उर्दू कर दूंगा, वो खर्चा जो हुआ नहीं है लेकिन उस खर्चे की अदायगी आप लोगों ने पहले से कर दी, सिंपल इज दैट। इस तरह के मामले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रीपेड खर्चा। प्रीपेड खर्चे का मतलब क्या हुआ, वो खर्चा जो हुआ नहीं है लेकिन उस खर्चे के हवाले से आपने अदायगी पहले से कर दी है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बोलिए, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या ये वाली बात समझ आई, करंट एसेट की डेफिनेशन में क्या था, वो चीज जिसको हम लोग यूज या कंज्यूम कर सकते हैं कितने टाइम में, बोलिए 12 महीनों के अंदर अंदर। तो अगर आपने एक ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं है, एक ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं है लेकिन उसकी अदायगी आपने एडवांस में कर दी है, ठीक, उसकी अदायगी आपने एडवांस में कर दी है, तो जब तक वो खर्चा होगा नहीं, जब तक उस चीज को आप यूज नहीं करेंगे, जब तक उस चीज को कंज्यूम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वो आपका खर्चा नहीं है। तो जब तक यूज नहीं करेंगे, जब तक कंज्यूम नहीं करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, बोले एसिड कहलाएगा। और कौन सा एसिड कहलाएगा, करंट एसिड कहलाएगा। और जैसे ही वो यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो उसका मतलब अब वो एसिड की डेफिनेशन से निकल गया, क्योंकि एसिड क्या है, जब तक वो यूज या कंज्यूम ना हो तब वो क्या है, बोले एसिड। और जैसे ही वो यूज हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने कल बात की थी कि आपने एक जगह ली है किराए पे और 12 महीनों के किराए पे लिए और 6 महीनों का आपने एडवांस दे दिए, कितना एडवांस दिया है, 1 महीने का 10,000 था तो 6 महीने में कितना बन गया, बोलिए 60,000, डन। अब क्या हुआ, डे 1 पे जब आपने दिया तो इसका मतलब डे 1 पे तो कोई भी कंजम्पशन नहीं हुई, लेकिन मंथ एंड पे आप ये देख रहे हो कि 1 महीने का रेंट जो था, 1 महीने हमने उस जगह को इस्तेमाल कर लिया, 1 महीने हमने उस जगह को इस्तेमाल कर लिया। तो जब आपने 1 महीने उस जगह को इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब वो जो आपने 6 महीने का रेंट एडवांस में दिया हुआ था कितने मंथ का कंज्यूम हो गया, 1 मंथ का। कितने मंथ का भी कंज्यूम नहीं हुआ, 5 महीनों का। तो सर पहले मंथ के एंड में मैं देख ही रहा हूं कि कंजम्पशन कितने मंथ की हो गई है, कितने टाइम की हो गई, 1 मंथ की। तो इसका मतलब कितना खर्चा हो गया, बोले आउट ऑफ 60,000 कितना खर्चा हो गया, बोलिए 10,000, सही है नहीं। अभी भी कितना खर्चा नहीं हुआ, बोलो 50,000। तो यार तुम पे तो कर चुके थे, क्या खर्चा नहीं हुआ, आप बोले वो आए, मेरी बात सुनो, ये वो खर्चा है जिसको मैं पे तो कर चुका हूं एडवांस में, ये वो किराया है जिसको मैं पे तो कर चुका हूं एडवांस पे, लेकिन अभी फरवरी आया नहीं है, फरवरी क्या एंड आ गया, अब आप मुझे बुलाएंगे, बोलेंगे देख क्या, अब मैं तुम्हें बात समझाता हूं कि जनवरी और फरवरी मैंने इस जगह को इस्तेमाल कर लिया, तो चूके पे किया था, बोलो कितना, 60,000। तो जनवरी जगह इस्तेमाल हो गई, फरवरी जगह इस्तेमाल हो गई, तो 2 महीने मैंने कितनी कंजम्पशन कर ली है, बोले 20,000 की। तो अब आओ मंथ एंड यानी कि सेकेंड मंथ के एंड पे आप मुझे बता रहे कि बताओ अभी भी मैंने कितने मंथ का किराया एडवांस में दिया हुआ है, बोले 4 महीनों का। तो जब तक वो कंज्यूम नहीं होगा, जब तक मार्च नहीं आएगा, फरवरी के एंड में खड़े हुए हैं, जब तक अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून नहीं आएगा, तो उस वक्त तक
जगह को इस्तेमाल कर लिया, तो अब आप मुझे बताएं कितने महीने का अभी भी कंज्यूम नहीं हुआ। एक मंथ, कौन से महीना? जून का महीना। इसका मतलब मई के एंड में हम ये देख रहे हैं कि 5 महीनों का खर्चा हो चुका है, लेकिन एक मंथ का भी खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो महीना जो है अभी हमारे सामने आए। आई होप मेरे ख्याल से प्रीपेड के हवाले से गुफ्तगू मजीद वाजे हो गई होगी, जिसको कल एम्बिग्विटी थी कुछ क्वेश्चन से। इसके बाद था क्या, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। पैसा आपके पास प्रेमिसेस में पड़ा हुआ हो, या पैसा आपने कारोबार का ही किधर रखवाया हो, बोले बिजनेस का। यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं ना, जो भी हम बात कर रहे हैं वो जाती आपके हवाले से नहीं है, हर बात का ताल्लुक किससे है, बोले बिजनेस ट्रांजेक्शन से। क्योंकि अकाउंटिंग में हमने बात क्या की थी, वो क्या बातें थी, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक किससे होता है, बोलो ट्रांजेक्शन खाली नहीं है, लेन देन पैसे की लेन देन नहीं है, सही है जी, उस लेन देन का ताल्लुक है किससे, बोलिए बिजनेस ट्रांजेक्शन से। और फिर हमने बात क्या की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरीके का है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे जो भी गुफ्तगू हो रही है उसका ताल्लुक आपसे नहीं है, किससे उसका ताल्लुक, बिजनेस से। जो किसका कारोबार है, आपका कारोबार है, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, किसके मुताबिक, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया भाई। तो हमने कल तक ये डिस्कशन किया था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को हम लोगों ने करंट एसेट क्यों बोला। सर, करंट एसेट की डेफिनेशन में एक बात ये भी आती है कि ये वो चीज है जो कि पड़ी हुई है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो वो पैसा जो हम लोगों ने, हमने कल बात की थी कि आपने कारोबार शुरू किया 10 लाख से, याद होगी बात, उसमें से 8 लाख भी कारोबार का है और 2 लाख भी किसका है, बोले कारोबार का है। तो कारोबार में पैसा लगाया कितना गया, बोलिए 10 लाख। अब 8 लाख जो है उस 10 लाख में से वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, सही है जी। उसमें से कुछ आपने रखा हुआ है कैश अपने हाथ में और कुछ पैसा आपने क्या रखवा दिया, बैंक में। बैंक में जो रखवाया है वो भी इस्तेमाल करने के लिए रखवाया है, क्या ये वाली बात समझ आ रही है। तो टोटल जो आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए आउट ऑफ 10 लाख इस्तेमाल करेंगे कैश, वो कितना है, बोले 8 लाख। तो इसका मतलब ये वो पैसा है जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और वो चीज जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है हमारा रिसोर्स है, उस पे हमारा कंट्रोल है, और इसको हम लोग अच्छे से अच्छे अंदाज में जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें उससे क्या हासिल हो रहे होंगे, बोलिए क्या हासिल हो रहे होंगे, बेनिफिट्स हासिल हो रहे होंगे। तो वो हमारा है एसेट। तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट क्यों है, अगेन सर ये हमारा करंट एसेट इसलिए है क्योंकि करंट एसेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि वो चीज जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही होगी, और तो और वो क्या होना चाहिए, हमारा रिसोर्स होना चाहिए, और तो और उसमें हमारा क्या होना चाहिए, बोलिए कंट्रोल। और जब रिसोर्स होगा कमाने का जरिया, सही है जी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फर्नीचर है, एक मशीनरी है, कमाने का तो जरिया है, उसमें मेरा अख्तियार तो है। अब मैंने उसको एफिशिएंटली क्या करना होगा, यूटिलाइज करना होगा, ताकि मैं उससे क्या हासिल कर सकूं, बोलिए बेनिफिट। तो उसका मतलब वो है क्या, मेरा एसेट है। आई होप सो मेरे पास ये अली बात समझ आ भी गई होगी। कल के काम हमने रिवाइज कर लिया। नॉन करंट एसेट के बारे में 2-3 चीजें लिख लिया। नॉन करंट एसेट के हवाले से आपने यहाँ तक तो ग्राउंड सेट किया हुआ था, यहाँ पे आप देखिए जरा शाबाश, यहाँ पे जरा लिखिए शाबाश, सही जी। नॉन करंट एसेट बना हुआ है ना आपके पास, पूरा एक इमेज बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले बुलेट में लिखिएगा एसेट दैट हैव ए लॉन्ग यूजफुल लाइफ, एसेट दैट हैव ए लॉन्ग यूजफुल लाइफ, एसेट दैट हैव ए लॉन्ग यूजफुल लाइफ। सही है जी, नोट डाउन कर लिया, एसेट दैट हैव ए लॉन्ग यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। दूसरा बुलेट लिखें, इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स, इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स, इकोनॉमिक बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स। सही है, ये दो पॉइंट आपने लिखे, इन दोनों पॉइंट के नीचे लिखिएगा और सही है, लोकेशन सेट हो रही है। हमने दो बुलेट लिखे, उसके बाद लिखा और, उसके नीचे हम लोग लिख रहे हैं ऑल दोज एसेट्स दैट आर नॉट करंट एसेट्स, ऑल दोज एसेट्स दैट आर
नॉट करंट एसेट्स, आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। यानी कि हर वो एसेट जो करंट एसेट नहीं है वो क्या होगा, बोलिए, नॉन करंट एसेट। हर वो एसेट जो करंट एसेट नहीं है वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। जैसे कि हमने बात क्या की थी करंट एसेट के हवाले से, तीन बातें थी ना, जिसको हम बेच सकते हो 12 महीने के अंदर अंदर। अब इसी को हम लोग बोले जिसको नहीं बेच सकते 12 महीनों के अंदर, ठीक। दूसरी बात क्या थी, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं 12 महीनों के अंदर अंदर। नॉन करंट में क्या होगा, जिसको हम लोग यूज कंज्यूम 12 महीनों में नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर तीसरी बात क्या थी, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हो कैश में 12 महीनों के अंदर अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट 12 महीनों में नहीं कर सकते, यानी कि उसका जहाँ हाँ था इसको अगर ना कर देते हैं तो वो किसमें चले जाएगा, आपका नॉन करंट एसेट में चले जाएगा। और तो और हमने बात की थी करंट एसेट के हवाले से कि ये वो एसेट होते हैं जिनका ताल्लुक मेनली किससे होता है, बोले, ट्रेडिंग से होता है। तो ये कौन से एसेट होते हैं जिनका ताल्लुक ट्रेडिंग से नहीं। तो हमने अपने पास क्या बात लिखी है, इनकी लंबी जिंदगी होती। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने मशीनरी खरीदी, हम लोगों ने बिल्डिंग बनाई, हमने जमीन खरीदी, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने इक्विपमेंट खरीदे। अगर हम लोग ये खरीद रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो आप मुझे बताओ, वैसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए, क्या मशीनरी की, बिल्डिंग की, लैंड की, इक्विपमेंट की, व्हीकल्स की, क्या 2-4-5 दिन की जिंदगी होती है या कई सालों की जिंदगी होती है? सर कई सालों की जिंदगी होती है, कम से कम अगर बात करें तो सर साल तो जिंदगी होती ही है सर, चाहे हम मशीनरी की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, फर्नीचर की बात करें। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो सर इस तरह के एसेट, यानी कि मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, सर ये हमारे अगर क्या है, कमाने के जरिए है, जिन पे हमारा बोले क्या है, बोले, कंट्रोल, जिससे हमें क्या हासिल होगा, बेनिफिट। अगर हम लोग इनको खरीद रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, ठीक, खरीद रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो किस में चले जाएंगे हम लोग, नॉन करंट में। और अगर खरीद रहे हैं बेचने के लिए तो कहां पे आ जाएंगे, करंट में। आपकी बात जरा एग्जांपल से क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक फर्नीचर की दुकान है, आप लोग की एक फर्नीचर की दुकान है नर्सरी पे। अच्छा, कुछ फर्नीचर आप कारोबारी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब कस्टमर आएगा तो उससे भी जाहिर सी बात है टेबल पे जो भी चिट चाट होगी, जो भी डीलिंग होगी, कुछ 2-4 सोफे पड़े होंगे, एक आध टेबल पड़ी हुई होगी, तो ये भी फर्नीचर में आता है। क्या ये वाली बात समझ आई? यानी कि आप, फॉर एग्जांपल, आपकी एक फर्नीचर की दुकान है, कुछ ऐसा फर्नीचर है जो आपके इस्तेमाल में है, कारोबारी इस्तेमाल में है, और बकिया जो आप देख रहे हैं लंबा आपका नजर आ रहा है शोरूम, सर वो भी फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, फर्नीचर की दुकान है आपकी, कुछ फर्नीचर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो बकिया पड़ा हुआ है, इतना बड़ा शोरूम है सर, वो जो फर्नीचर है, एक मिनट, और वो जो फर्नीचर है वो किस पर्पस के लिए, आप मुझे बताएं, क्या वो इस्तेमाल करने के लिए है या बेचने के लिए? सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब, बेचने के लिए। तो मैं बोलता हूँ, भाई ये जिस फर्नीचर पे आप बैठे हुए हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, कहीं बेचने का नहीं है सर, ये तो हमारे बिजनेस के खुद के इस्तेमाल का है, आप इसमें से चॉइस कर लें, ये जो बकिया फर्नीचर पड़ा हुआ है सर ये बेचने के लिए। अगर आप बोलेंगे तो जिस तरह का फर्नीचर आप मांग रहे हैं हम आपको अरेंज कर देंगे या बना के दे देंगे, लेकिन सर जिसको हम लोग खुद यूज कर रहे हैं सर ये बेचने का नहीं है, ये तो हमारे इस्तेमाल का है। ऑल द फर्नीचर वो भी है, और ये जो बकिया पड़ा हुआ है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे शोरूम में पड़ा हुआ है, ये भी क्या है, फर्नीचर है, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में फर्क है। एक का इस्तेमाल क्या हो रहा है, बोले, इस एक का किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो बिजनेस पर्पस के लिए, और वो जो दूसरा फर्नीचर हमारे पास पड़ा है वो किस लिए पड़ा हुआ है, बेचने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए, जो बेचने के लिए पड़ा हुआ है वो हमारा क्या होगा, स्टॉक होगा, गुड्स कहलाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। उसमें से जो बच जाएगा वो हमारा कौन सा स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो सुनो बेटा, वो चीज जिसको आप खरीद रहे हो या बना रहे हो किस लिए, बेचने के लिए, उसमें से वो माल जो बच गया, बिका नहीं, वो कौन से एसेट में आएगा, सोच समझ के जवाब देना। मैं अपनी बात को फिर क्लियर करता हूं,
कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक, या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सही है जी, या क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। पर्पस, अगर इस्तेमाल करना है, ये एक अलग डायरेक्शन में चलेगी बात। पर्पस, अगर बेचना है तो अलग डायरेक्शन में चलेगी बात। अगर उस चीज को आप बना रहे हो या खरीद रहे हो, अगर पर्पस तुम्हारा क्या है, बोलो शाबाश, बेचना, ठीक, बेचना, तो वो किस में आएगा, बोलो करंट एसेट में। और अगर उसको बना रहे हो या खरीद रहे हो, पर्पस क्या है, उसका इस्तेमाल करना, बिजनेस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना, तो वो कौन सा एसेट में आएगा, बोलिए नॉन करंट। जी बेटा, सवाल, लैंड हमने खरीद ली, जमीन हमने खरीदी है और उसको किस में दी है, रेंट पे दे दी, तो आप मुझे बताओ, सोचना, समझना, ठीक है जी। जैसे सवाल आ रहे हैं आप मुझे प्लीज मैसेज करें, और यहाँ पे जो साथी मैसेज बैठे हुए हैं वो सवाल करें, ताकि चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं एक से दो एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है बात क्लियर ना हो, आपके दिमाग में कोई चीज क्लिक करे, आपने बोला अच्छा सर ये लैंड का क्या चक्कर है, बिल्डिंग का क्या चक्कर है, इक्विपमेंट का क्या है, वगैरह वगैरह। सवाल आपका करने का राइट बनता है, जवाब मैं इंशाल्लाह दूंगा। सवाल यह आया है कि सर लैंड हमने खरीदी, ठीक है जी, और उसको हमने किराए पे दे दी, तो आप मुझे बताइए क्या आपने वो जमीन खरीदी है, सही है जी, उसकी ओनरशिप किसके पास है, जिसने खरीदी है वो उसके पास है, ये वाली बात समझ आ रही है। तो जमीन की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, कोई फायदा होता है, कोई नुकसान होता है, वो है किसका, किराएदार का है या मालिक का, मालिक का, सही है जी। अब अगर आपने वो जमीन खरीदी है, ठीक है जी, अगर खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, किसी को किराए पे नहीं दिया तो वो मालिक नहीं बना, मालिक कौन है, आप है। तो इसका मतलब अगर आप उसको खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो इधर आ जाना, और अगर आप हो या तो इस्तेमाल करोगे खुद या तो किसी को किराए पे दोगे, तो मालिक तो मेरे भाई आप है, तो किधर आएगा, देखो सुनो, दो रास्ते निकल रहे, आपने खरीदा या बनाया, बेचना इज समथिंग एल्स, व्हेयरएस किराए पे देना इज समथिंग एल्स, क्या ये वाली बात समझ आ रही है। तो अगर किसी ने कोई जगह किराए पे ली, मालिक नहीं बन गया, किसी ने अगर रेंट कार से कोई गाड़ी ले ली तो वो मालिक नहीं बन गया, ठीक, जिसने खरीदी, सुनना, एक तरफ करंट आ रहा है, एक तरफ नॉन करंट आ रहा है, खरीदी है मैंने, बनाई है मैंने, अगर असर पड़ रहा है बेचने के लिए तो वो किसमें आएगा, करंट में आएगा, और अगर खरीदी है या बनाई है बोलो किसमें आएगा, खुद इस्तेमाल करने के लिए ब्लॉक करने के लिए तो किसमें आएगा, बोलो नॉन करंट में आएगा। अब जितने भी दिमाग में आपके अच्छे बुरे गंदे सवाल जैसे भी आते हैं आप करें, ताकि ये हमें चीज समझ आ रहा है कि करंट के रटना नहीं है डेफिनेशन को, किसन ने बोल दिया ये है तो सन ने बोल दिया वो है, आप सवाल के एग्जांपल दें उसके हिसाब से हम बात करते हैं। बताइए कोई और ऐसी चीज, कोई और ऐसी बात जल्दी से बताइए। शाबाश, अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। सुने सवाल ये आया कि सर अच्छा बड़ा ये हमने दी है किसी को किराए पे, जमीन हमने दी है किसी को किराए पे, अब वो जो हमारे पास किराया आ रहा है, सही है नहीं, अगर मेरा पता है काम क्या है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, प्लीज देखो ये बंदा सवाल कर रहे हैं, आप लोग भी सवाल करें, क्योंकि हमने बात को इतना फैला दिया है कि यार हर बंदे के दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ तो एक चीज जन्म ले रही होगी, सवाल करना है। इन्होंने कहा इससे जमीन तो हमने ले ली, उसका किराया जो हमारे पास आ रहा होगा इसका क्या होगा। सर मेरा काम ही है प्रॉपर्टी का, मैं जगह खरीदता हूँ, दुकानें खरीदता हूँ, जमीन खरीदता हूँ, सही है जी, किसी को खेती बाड़ी के लिए देता हूँ, किसी को अपने जानवर बांधने के लिए देता हूँ, सही है जी, कुछ मैंने बिल्डिंग खरीदी हुई है उसको मैं रेंट में देता हूँ, कुछ फ्लैट खरीदी है उसको रेंट में देता हूँ, सर मेरा काम ही यही है। तो जो किराया मेरे पास आ रहा होगा वो मेरे बिजनेस का क्या होगा, रेवेन्यू होगा। सर क्या होगा, रेवेन्यू होगा, जिसको अभी हमने कुछ टाइम में जाके डिस्कस करना है, हमने बात की थी ना हेड ऑफ अकाउंट्स में, कहा क्या रेवेन्यू होगा, सही है, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। तो सर मेरा काम ही क्या है, चीजें खरीदना, बनाना, बेचना, ओनरशिप नहीं देता बाबा मैं किसी को, तो इसका मतलब जब ओनरशिप नहीं दे रहा किसी को, उसका मतलब वो मेरे लिए मेरे कारोबार का क्या है, बोले नॉन करंट एसेट तो है, लेकिन कौन सा नॉन करंट, उस पे जो किराया आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सर मैंने इतना पैसा
पैसा लगा के वो जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, दुकानें खरीदी, सही है जी। अब उससे जो किराया आ रहा है, मेरा तो कमाने का जरिया ही बना हुआ है, यानी कि मेरा आमदनी का जरिया क्या है, ये वो किराया है जो मैं वसूली कर रहा हूँ। कैसे? जो मैंने जमीन किसी को किराए पे दी हुई, बिल्डिंग किसी को किराए पे दी हुई, दुकान किराए पे दी हुई है, गाड़ियां किराए पे दी हुई है, जनरेटर किराए पे दिया हुआ, ट्रक जो आते हैं वो किराए पे दिए हैं। आप देखते रहोगे दुनिया जहान में क्या कुछ हो रहा है, और आपकी सराउंडिंग में भी नजर आ जाएगा कि किसी ने पैसा लगाया हुआ है, किसी को सुरक्षा दी हुई है, सही है जी। मालिक जो है वो किधर रिकॉर्ड कर रहा होगा उसको, नॉन करेंट पे, और उससे जो किराया आ रहा होगा, सही है जी, वो उसका क्या किराएगा, रेवेन्यू किराएगा। प्लीज सवाल। जो बंदा रेंट पे चीज लेगा, सुनो, आप केनेस को आके फीस की अदायगी कर रहे हैं, तो केनेस वालों के लिए वो आमदनी है और आपके लिए क्या है, बोले उर्दू में क्या बोलेंगे, खर्चा। ठीक, आपने मुझसे वसूली करनी है, ठीक, तो मैंने क्या करनी है, बोलिए, अदायगी। आपके लिए अगर रिसीवेबल है तो मेरे लिए क्या होगा, पेबल। आपकी अगर आमदनी है तो मेरा क्या होगा, बोले, खर्चा। आप बिजली इस्तेमाल करते हो कि इलेक्ट्रिक को पैसे देते हो तो वो उनके लिए क्या है, उनकी आमदनी, और आपका क्या है। अब इतनी छोटी सी बात की, आप इसको 10 जगहों पे स्प्रेड कर, यानी कि मैं छोटी छोटी बात पकड़ के नहीं पूछ रहा, सर हमने डबल रोटी खरीदी तो वो डॉन ब्रेड वाले के लिए क्या है, एक आइडिया दिया, उसको आप 10 जगहों पे लिंक कर दो, लिंक वही का वही बन जाएगा। और बताइए बेटा, अब सुने, सवाल आया कि सर हमने बिल्डिंग खरीदी थी, बड़े अरमान से दुकान खरीदी थी, गाड़ी खरीदी थी, कि हम लोग किराए पे देंगे, किराए पे देंगे। अब क्या हुआ कि मुझे पैसों की जरूरत है, अब क्या हुआ मुझे पैसों की जरूरत है, सही जी, ऐसी कुछ बात हो रही है। या अब क्या हुआ, मैंने बोला कि यार अब मिसाल के तौर पर सुनो, मैं बिल्डिंग बनाता था, ठीक है जी, कुछ बिल्डिंग में इस्तेमाल करता था, कुछ बिल्डिंग का ऐसा इस्तेमाल करता था, कुछ में क्या करता था, बोले बेच देता। जब तक पर्पस मेरा क्या है, बेचना नहीं है, इस्तेमाल में रखना है या अपने कब्जे में रखना है, तो वो किसमें आएगा, नॉन करंट। मैंने बोला नहीं यार अब मैं क्या करूंगा, वो इतनी जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई हुई है उसमें से अब मैं प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ काम शुरू करूंगा, तो इसमें से मेरी 5 प्रॉपर्टी में से जो 2 प्रॉपर्टी है, अब मैं क्या करूंगा, उसकी खरीदो फरोख करूंगा, तो वो किस में स्विच हो जाएगा, वो करंट ना। यानी कि अगर पर्पस मेरा क्या है, उसको इस्तेमाल करना, सही है जी, या अपने कब्जे में ही रखा हुआ हूं मैं, बात समझ आ रही है, जिसमें प्लांट भी हो सकता है, बड़ी बड़ी मशीन जिसको प्लांट का नाम देते हैं, इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, वो किसमें आ रहा होगा, बोलिए, नॉन करंट में आ रहा होगा। नॉन करंट का मतलब इन शॉर्ट बेटा क्या लेंगे, कोई भी चीज जो मैं खरीदता हूँ, सही है जी, एसेट के हवाले से बात होगी, या मैं बनाता हूँ किस लिए, इस्तेमाल करने के लिए, सही है जी, या मैं उसको किसी को किराए पे दे दूं, उससे रेंट हासिल करूं, किसमें आ रहा होगा, नॉन करंट। और अगर मेरा पर्पस है इसको बनाना या खरीदना और क्या करना, बेचना, तो सर वो किसमें आ रहा है, करंट। क्लियर होगी बात। हमारा तो अभी सिर्फ एक डिस्कशन हुआ है, अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज पे, ये स्लोली ग्रेजुअली डिस्कशन हमारा बढ़ता चले जाएगा, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपके सामने कोई बात कर रहा हो तो आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा यार ये तो एसिड की बात हो रही है, अच्छा यार ये लायबिलिटी की बात हो रही है। बेसिकली इनिशियल लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग देनी है, और चीजों को बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि हमने तो सर आज तक इंजीनियरिंग में या मेडिकल में ऐसी बातें तो सुनी नहीं थी, तो इन बातों को बार बार मैं अपने पे बल्ली ली हुई है, बार बार बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो यार गंदी बातें और अच्छी बातें जब बात बात सुनने में आ रही होती है, नहीं भी सुनना चाह रहे होते, लेकिन दिमाग में वो सामने चीज गुजर रही, किसी बस में बैठ गया, अजीब सी लाइक में जबान में वो कोई गाना चल रहा है, फश्तों में चल रहा है, और हम भी सुन सुन के कितना पक गए कि हमें पता है कि यार ये मतलब उसके अल्फाज तक हमें याद हो जाते। तो बेसिकली मैं आपके साथ जान के आपको थोड़ा सा टॉर्चर भी दे रहा हूँ, चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में जो है ना खुद ब खुद बैठ जाए, और टॉर्चर देने के लिए मान जाए, ये मेरा तरीकेकार रहेगा, क्योंकि दिमाग में अच्छी बात बिठाना ना इतना आसान नहीं होगा। एनीवेज, अब बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं लाइब्रेरीज की। लेकिन सर अगर 12 मंथ से कम के लिए रेंट पे दिया हो तो स्पाइडरमैन, तुम्हारा नाम क्या स्पाइडरमैन रखा अम्मा बने, स्पाइडरमैन भाई जल्दी से जाला फेंको और केनेस आ जाओ। लाइब्रेरीज की हेडिंग डालते हैं हम,
अच्छा जी, आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया, सही है जी। तो लोन ले रहे तो उसका मतलब एक अरसे बाद जाके उस लोन की अदायगी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसका मतलब जब आपने बैंक से लोन लिया तो इसका मतलब पैसा तो आ गया, अब आपकी एक ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है कि आपने उस कर्ज की क्या करनी है फ्यूचर में, अदायगी। तो इसका मतलब आपकी एक जिम्मेदारी खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिया है, बोलिए शाबाश, कर्ज। और जब आप किसी से कर्ज ले रहे हैं, लाइक हमने एग्जांपल ली कि आपने बैंक से कुछ कर्ज लिया तो पैसा आपके पास आया और उस कर्ज की अब आपने क्या करनी है, बोलिए, अदायगी। तो यार जब कर्ज नहीं लिया था तो क्या आपकी कोई ऑब्लिगेशन या आपकी कोई जिम्मेदारी थी भी या नहीं? जब लिया ही नहीं था तो कोई थी जिम्मेदारी? नहीं। और जब आपने लोन लिया, कर्ज लिया, तो इसका मतलब आपकी अब क्या क्रिएट हो गई है, बोलिए शाबाश, जिम्मेदारी, बोले तो ऑब्लिगेशन। ठीक, एक सिंपल सी बात, आप जब केएनएस आ रहे हैं, सही है, आप पेमेंट कर रहे हैं किस पर्पस के लिए, सर्विसेज हासिल करने के लिए, तो आप बताइए केएनएस के पास जो रकम आ रही है, सही, तो केएनएस की क्या एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी कि उसने सर्विसेज फराहम करनी है आपको? ठीक, ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब जब तक पैसे दिए ही नहीं थे तो केएनएस की कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं, और जहां केएनएस ने उस पैसे की वसूली कर ली तो उसका मतलब केएनएस की अब क्या है, ऑब्लिगेशन है, यानी कि केएनएस इज लायबल, लायबल टू प्रोवाइड यू एजुकेशन सर्विसेज। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? इसी तरह से जब आप गवर्नमेंट को टैक्सेस की अदायगी करते हैं, ये द 40, तो यार जब आप अदायगी करेंगे तो बदले में आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पार्क्स की सहूलियत फराहम करें? ठीक है जी, आपने ये फीलिंग ऐसे कैसे जनरेट हुई कि यार आप गवर्नमेंट से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि आप क्या पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, टैक्स पे कर रहे हो, तो उसका मतलब गवर्नमेंट इज लायबल टू प्रोवाइड यू विद ऑल द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। तो उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि 2024 रोड पार्क सुधार होगा, तो इसका मतलब क्यों आप समझ रहे हो ये आपका हक है, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हो और उस टैक्स की वसूली कर कौन रहा है, सरकार। तो इसका मतलब आप जिम्मेदार हो किस हवाले से, टैक्स के हवाले से, कि टैक्स की अदायगी करेंगे, और सरकार किस हवाले से जिम्मेदार है कि आपको फैसिलिटी फराहम करेगी। इसका मतलब आप भी जिम्मेदार हो और सरकार भी जिम्मेदार है। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? सर हमने किसी से माल खरीदा है उधार पे, माल खरीदा है हमने किसी से उधार पे, सही है नहीं? हमने किसी से कोई फर्नीचर खरीदा है, कोई भी चीज हम खरीद, माल का अल्फाज हमने कल भी समझा था, इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब भी कोई चीज खरीदी जाएगी या बनाई जाएगी बेचने के लिए, उसको हम स्टॉक बोले, गुड्स बोले, इन्वेंट्री बोले, उर्दू में बोलेंगे माल। सर अगर खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, किस लिए, किस लिए, बेचने के लिए, तो उसको हमने बोल दिया माल। अब अगर वो माल आप खरीद रहे हैं उधार पे, सही है, तो माल तो आपके पास आ रहा है, क्या आपके पास से पैसा चलेगा या पैसा जाएगा? सर जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो उस अमाउंट जिसकी आपने अदायगी करनी है वो आपकी क्या है, आपकी, आप यू आर लायबल, सही है, मैं बोलूंगा मिस्टर यू आर लायबल बिकॉज आपने मुझसे माल खरीदा है, आपकी ऑब्लिगेशन है। कैसी बात करते हैं यार, आप पैसा नहीं देंगे ऐसी की तैसी। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? मतलब अभी मजाक कर रहा हूं कि यू आर लायबल बिकॉज देखिए जो डिस्कशन हो रहा है इसमें दो तीन अल्फाज का बार बार घुमा फिरा के डिस्कशन में लेके आ रहा हूं, लायबल 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 मतलब ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, दो तीन अल्फाज मैंने बार बार रिपीट किए हैं। यू आर लायबल टू प्रोवाइड मी विद द अमाउंट दैट यू हैव बोरोड, यानी कि आप जिम्मेदार हैं उस पैसे के जो आपने मुझसे कर्ज की सूरत में लिया है, ऐसी की तैसी, वो दो मेरा पैसा है। क्या ये वाली बात समझ रहे? आप जिम्मेदार हो, सही नहीं, आप मकरूज हो क्योंकि आपने अभी तक मेरे पैसे की अदायगी नहीं की, आपके ऊपर मेरे कुछ वाजिबात हैं। आप समझ रहे हो मैं तीन चार दो तीन उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और दो अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीन उर्दू के अल्फाज कौन से? वाजिबात, कर्ज, जिम्मेदारी, लिख दूंगा मैं आप, और अंग्रेजी के कौन से अल्फाज हैं? लायबल और ऑब्लिगेशन।
तो हमने ये जो बातें की उसको हम जरा कॉपी में जाके लिख देते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है, जिम्मेदार कैसे होगा, छोटी है उन्हें नहीं आते यार। मैं उर्दू में लिख दूं, वो इंग्लिश में लिख दूं, अभी यहाँ तो लाइव में खाओ गए बेइज्जती खराब हो जाएगी। चलो मैं रोमन में लिख, जिम्मेदारी सही है। दूसरा क्या हो गया, वाजिबात और पॉइंट है कि आपको समझ आ जाए कि ये अल्फाज का मतलब क्या बनता है, ठीक है जी। और यहां पे हम लिखेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। इसी तरह से लिखेंगे समथिंग विच इज ओड समवन एल्स, समथिंग विच इज ओड टू समवन एल्स। एक होता है वर्ड ओन, हमाद भाई कोई हमाद भाई है मेरे पास, हमाद प्लीज अपना माइक बंद कर दें यार, ठीक है जी। समथिंग विच इज ओड टू समवन एल्स, अब देखिए यहाँ पे हमने अल्फाज इस्तेमाल किए उर्दू के हवाले से, समझ तो गए होंगे ना, जिम्मेदारी और वाजिबात और तीसरा कौन सा कर्ज, दीज आर ऑल इन वन वर्ड लाइफ में, ठीक। ऑब्लिगेशन का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ कि फॉर्मल देखिए बातें, बात सारी ये कि यार हमने इनफॉर्मली पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि यार यहाँ पे लाइब्रेरी का वर्ड कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि हम तोती की तरह रट लेंगे भाई लाइब्रेरी 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 क्या होती है। अब मेरे ख्याल से हमने इतनी सारी बात कर ली तो कल को आप भी बोलेंगे भाई तेरी लाइब्रेरी है भाई, तू तो लाइबल है, तूने मुझसे पैसा लिया था, तूने मुझसे बुक्स उधार भी ली, देना तो पड़ेगा तुम्हें वगैरह वगैरह। अब आप लोग को बात कुछ समझ आ गई। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स को लेकर, लाइब्रेरी की टाइप्स, जिस तरह से करंट एसेट होते थे इसी तरह से करंट लाइबिलिटी है, और यहां पे लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी के हवाले से जरा चीज नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन करें करंट लायबिलिटी के हवाले से, लायबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल, लायबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स, लायबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स, यार एसेट में हमने क्या बात की थी, सोल्ड यूज कंज्यूम कन्वर्टेड, सही थी। लायबिलिटी का मतलब हमने क्या लिया, जिम्मेदारी वाजिबात कर्ज, जिस अमाउंट की अदायगी आपने करनी है 12 महीनों के अंदर अंदर, और नॉन करंट का खुद ही दरवाजा खुल गया जिसका जवाब मिल गया, वो अमाउंट जिसकी अदायगी करनी है 12 महीनों में नहीं 12 महीनों के बाद, तो वो नॉन करंट। मैंने आपसे कल कही थी बात, एसेट वाला डिस्कशन जो है ना वो कुछ लोग क्विकली रिकैप कर, कुछ लोग क्विकली कवर अप करा देते हैं, जान के उसको खींच रहा हूं क्योंकि एक को बुनियाद बना रहा हूं और फिर जब वो सिनेरियो एक दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा तो फिर हमें आगे की चीजों को लिंक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, तो लाइब्रेरी वाला पोर्शन बड़ा क्विकली हो जाएगा। चल लाइब्रेरी है क्या, बल्ली, समझ रहे हैं आप क्या, आप लोग समझते बल्ली बिल्ली क्या होता है, बिल्ली नहीं
यार जानी बल्ली आ गई है यार वो। अब हम लोग की बल्ली कब आ रही होती है, जब हम लोग कोई उड़तूत कर रहे हो और किसी की पकड़ में आ जाए तो यार जानी बल्ली आ गया, पानी देख लिया था मिसा के दौर। मैं यहाँ पे भी क्या बोल रहा हूँ, मतलब ऑब्लिगेशन, आप लोग बल्ली वाली बात समझते हो, बल्ली का मतलब ये है कि कंपनी आ गई और कुछ ना कुछ, मतलब आप लोग शायद समझ रहे हो नहीं समझ रहे, मासूम बच्चे बैठे हैं, या तो चेहरा मासूम है या तो हालात ने ऐसा कर दिया है। मतलब आप इसको यहाँ पे आप ये नहीं लिख दीजिएगा जिम्मेदारी, वाजिबात, कर्ज, कॉमा डाल के लिखते बल्ली, ठीक। तो बल्ली का मतलब भी क्या है कि आपके ऊपर एक बल्ली आ गई है। मैं कैसे समझाऊ, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे उस बात को समझाने के लिए। वैसे कैफियत का नाम क्या है कि जब आपकी हालत शॉर्ट हो गई हो ना। अच्छा जी, तो लिखिए अपने अपने पास बात, अमाउंट लाइबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, एक बात ये होगी। दूसरा ब्रेड लिखिए अपने पास, held mainly for trading purpose, held mainly for trading purpose, held mainly for trading purpose, held mainly for trading purpose. अब इसके नीचे examples लिख लें, examples लिख दीजिएगा। दो बातें लिख दी, क्या दो बातों में कोई मजीद वजाहत की जरूरत है? दो बातों में मेरे ख्याल से वजाहत की जरूरत नहीं, ये वो अमाउंट है जिसकी अदायगी करनी है। अच्छा, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एवं बैठे बैठे अराइज हुई या कुछ इवेंट हुआ होगा, शायद हमने कर्ज लिया, हमने माल खरीदा, हमने क्या किया, केएनएस पे एडमिशन लिया, तो इसका मतलब आपकी क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने आपको क्या प्रोवाइड करनी है सर्विसेज। और देखा जाए दूसरी तरफ आपकी भी ऑब्लिगेशन है कि आपने टाइम पे क्या करनी है, अपनी चीज की अदायगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी लायबल है, कहीं ना कहीं हम भी लायबल है, लेकिन लायबिलिटी अराइज कब होगी, दोनों पार्ट पे या किसी एक पार्ट पे, जब एक बंदा उसकी वसूली कर लेगा, जब एक बंदा कमिटमेंट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब जब एक चीज की लीगल बाइंडिंग हो जाती है तो उसका मतलब एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। या तो आपने किसी को जबान दे दी है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव का भी नाम दे रहे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिख लीजिए अपने पास, अगर आप माल खरीदते हैं किसी से उधार पे, तो आप मुझे बताएं आपने पैसा देना है या लेना है? देना है। तो रिसीव करना है या पे करना है? पे करना है। तो यार रिसीवेबल क्या होता है? जब पैसे लेने होते हैं। क्यों लेने होते हैं? जब किसी को कोई चीज देंगे उधार पे तो पैसे लेने होंगे, ठीक। तो जो लेने होते हैं पैसे वो एसेट है या लायबिलिटी? एसेट। जब वसूली करनी है तो एसेट, जब अदायगी करनी है तो लायबिलिटी। अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, रिसीवेबल को बोलते हैं लायबिलिटी और पेबल को बोलते हैं एसेट। तो रिसीवेबल मतलब वसूली करनी है, ठीक, तो उसका मतलब एसेट है। अदायगी करनी है तो उसका मतलब वो क्या है, आपकी लायबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे अल्फाज सिंपल सा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोले, पेबल्स, ठीक है जी, पेबल्स। इसी तरह से एक और अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म लोन्स। इसी तरह से एक और अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक ओवर ड्रॉन, बैंक ओवर ड्रॉन एक्सेट्रा, शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक ओवर ड्रॉन एक्सेट्रा। अभी बेटा बता दो सर, नो, जब तक आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक, जैसे आपने ये बात अभी जो की है वो इस तरह से की होगी कि जब तक हमारे पास वो एसेट था और जब कंज्यूम हो गया तो वो खत्म हो गया। अच्छा, सवाल ये आ रहा है कि जब तक हमारी लायबिलिटी है तो उसको हमने लायबिलिटी की सूरत में रिकॉर्ड किया, जब लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा? सुनिएगा, सुनना है, कैसी सवाल आया तो जवाब मैं दे रहा हूं, अदरवाइज मैं सवाल का जवाब अभी नहीं देता। आपने बिजली इस्तेमाल की है, सही है जी, जनवरी के महीने में आपने बिजली इस्तेमाल की, 10,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया, 10,000 रुपए बिजली का बिल आ गया। अब आप बताइए, जो बिजली आपने इस्तेमाल की है, ऐसी कैजुअली पूछ रहा हूं, दोस्ती भाई बंदी में, वो तुम्हारा क्या है? उर्दू में बोलो बस, खर्चा, सही है जी। इस्तेमाल तो कर लिए, अदायगी अभी तक नहीं की, खर्चा हो गया एक तरफ, पैसा चले गया या जाएगा, जाएगा, तो
खर्चा तो हो गया है, इसमें तो कोई इनकार नहीं करेगा, पैसा चलेगा या जाएगा? जाएगा। तो एक तरफ तुम्हारा खर्चे में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ तुम्हारे कारोबार की लायबिलिटी में भी क्या हुआ, बोले इजाफा हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, ड्यू डेट से पहले हमने अगले महीने उस 10,000 जो बिल आया था उसकी अदायगी कर, तो जब तक अदायगी नहीं हुई वो तुम्हारी क्या है, बोले ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी, आपके ऊपर ड्यूज है, वाजिब बात। ठीक, जब आपने उन ड्यूज को क्लियर कर दिया तो अब आप मुझे बताओ खुद वो जो जिम्मेदारी थी वो खत्म हो गई? खत्म हो गई। जिम्मेदारी जो थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? क्योंकि तुमने पैसा दे दिया। तो जब खर्चा हुआ था, सही है जी, तो हमने बोला खर्चे में तो इजाफा हो गया, पैसा नहीं गया, हमने बोला भाई लायबिलिटी खड़ी हो। ठीक, और जब एक हफ्ते दो हफ्ते में आपने बिल क्लियर कर दिया तो उस वक्त वो जो पैसा था वो तो गया आपके पास से, लेकिन दूसरी तरफ वो जो लायबिलिटी थी ना वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसका मतलब जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पे ऑफ करते हैं तो जिम्मेदारी तो खत्म हो रही होती है, सही है नहीं? कैसे खत्म हो रही है इस सूरत हाल में? क्योंकि हम लोग पैसा देके अपने बिल्स को, अपने ड्यूज को क्लियर करते हैं। इसमें आ जाओ बेटा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन आपने बैंक से उधार लिया है। अच्छा एग्जाम्पल ले दो, आपने बैंक से उधार लिया है 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, 12 महीनों के अंदर अंदर का उधार ले लिया, इसका मतलब इसकी अदायगी कितने टाइम में करनी है? 12 महीनों के अंदर अंदर। तो अगर आपने बैंक से उधार लिया है, सही है जी, कितने टाइम के लिए? 12 महीनों के अंदर अंदर का, तो इसका मतलब वो भी हमारा किधर आ जाएगा, बोलिए, करंट लायबिलिटी, बिकॉज करंट लायबिलिटी इज द अमाउंट दैट इज व्हिच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। तो हमने अगर माल खरीदा उधार पे 2 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो इसका मतलब ये वो अमाउंट है जिसकी अदायगी हमने कितने टाइम में करनी है, बोलिए, 12 महीनों के अंदर अंदर। ठीक, तो इसका मतलब वो किधर आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। हमने लोन लिया है बैंक से 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 महीनों के अंदर अंदर के लिए, तो उसका अदायगी भी कब करनी है हमने, 12 महीनों के अंदर अंदर करनी है, तो उसका नाम क्या लिख दिया, बोले शॉर्ट टर्म लोन। अब एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्रॉन। बैंक ओवरड्रॉन क्या होता है, जरा एक सिनेरियो बना के हम समझते हैं। सर अक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट भी जरा देंगे आप अम्माद हुसैन, सारे कॉन्सेप्ट आएंगे स्लोली ग्रेजुअली हम सारी बातें करेंगे, क्योंकि अभी कुछ सवाल आ रहे हैं, सर ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये अक्रूवल्स क्या है, ये बैड डेट क्या है, ये सवाल जैसे मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग को उनके साथियों ने डराया हुआ है, अबे भाई एफआर उनमें तो वो अक्रूवल भी का इम्पैक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा, बैड डेट भी आएगा, चीजें सारी आनी है। मैंने कल जो हमारी पहली क्लास में मैंने बता दिया था कि आप लोग जब एफआर वन के एक्चुअल स्टूडेंट्स के साथ आके बैठेंगे तो वो लोग बहुत फुली इक्विप हो चुके हैं। कैसे? ओ एलेवल्स के 5 साल, आईकॉम के 2 साल, ओ एलेवल्स वाली 1 अवाम 5 साल, आईकॉम वाली 1 अवाम 2 साल, और जिन्होंने स्कैप 1 पिछली स्कीम वाला पढ़ लिया था, कुछ ने कुछ 6 महीने 4 महीने पढ़ लिया, और हम अभी बेचारे नन्हे काके बैठे हुए इंजीनियरिंग वाले मेडिकल वाले, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की दाद से मुझे पूरा भरोसा है और मुझे अपनी मेहनत पे ही भरोसा है, बाकी अल्लाह मेरी मदद करे। ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको उसके अंदर एडजस्ट करता हूँ, लेकिन आपकी जो सेशन है ना, ये छोटे छोटे ये जो टीजर्स आ रहे होते हैं, सर वो अप्रूवल क्या है, तो वो क्या है, तो वो क्या है, तो मैंने आपसे बात की थी इसकी, वक्तन फवक्तन मुझे क्लासेस हो सकता है थ्रू आउट सेशन लेनी पड़े, यानी कि आपको मैं यहाँ से तो उधर शिफ्ट कर दूंगा, सही है, और जब वहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी और मुझे लग रहा होगा कि यार कोई ऐसा टॉपिक आने वाला है और जहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो मैं बोलूंगा जरा आ जाए, जरा क्लास वास लगाते हैं 1-1.5-2 घंटे की, तो ये जो सेशन है ना मेरी भी अच्छा खासा मतलब हेक्टिक, मतलब जाहिर सी बात है वहां जो बच्चा बैठा हुआ है वो किस बैकग्राउंड का है, और हम भी जब उनके साथ मिक्स हो जाएंगे तो हम ऐसा ना हो कि फील करेंगे यार उनके पास नॉलेज है और हमारे पास नहीं, तो उस गैप को कवर अप करने के लिए मुझे तकरीबन मुझे लग ये रहा है कि पूरे सेशन में कुछ ना कुछ जो है ना वो क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो कल तो मेरे भाई मैंने आपको बात बोली थी कि समझ आ भी नहीं सकता ना, मतलब अगर कोई बंदा बोले
मैंने पहली क्लास दूसरी क्लास मिस कर दी, मुझे तीसरी क्लास में बैठा फीलिंग मौसम ओवर देयर। तो यार मतलब आप उस क्लास के एलिजिबल ही नहीं, आप क्लास वन ले टू ले, ऐसा नहीं होता कि गाड़ी आपने बोला कि मैं चलाऊंगा ऐसी स्पीड वैसी स्पीड और डायरेक्ट आपने पांचवें गियर डाल दिया, पता चला गाड़ी उठी नहीं रही। समझ तो गए होंगे ना जो लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो गाड़ी उठेगी पहले या दूसरे गियर पे, आप उठा रहे हो पांचवें गियर पे, माइंड ये तक यार पांचवें गियर गाड़ी मस्त होकर भागती है। तो यार अगर हम बैठ जाएंगे बी एफ आर वन में और हमारा पिछला कुछ बैकग्राउंड नहीं बना हुआ तो हमारी गाड़ी तो चलेगी नहीं भाई, क्योंकि जोर 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 दे रहे हैं गाड़ी चलने पाई। इसीलिए हमने मैंने अभी कह रहा था ना सर ताहिर को कि मुझे तकरीबन रोज क्लास चाहिए, तो उसमें फिर आप लोग ने भी चूचा की नहीं करनी होगी क्योंकि मुझे उस गैप को कवर करना। ठीक है भाई। अच्छा जी, अक्रूवल्स की भी हम मान हुसैन इंशाल्लाह बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा अर्ली है। अक्रूवल्स भी यहाँ पे आ सकता है, अक्रूवल्स भी एक चीज है, लायबिलिटीज की भी हम यहाँ पे बात करेंगे लेकिन कर लेंगे आगे तक। बैंक ओवर ड्राफ्ट क्या है? जी बेटा घट में घट 2 हफ्ते और वो लोग तो सर आसान फिर रिवीजन कराएंगे। देखें कुछ कॉस्ट मैं बेयर कर रहा हूँ, कुछ कॉस्ट वो बेयर करेंगे, जो आप लोगों का मिस हो रहा है तो सर आसान ही इसको कवर अप करेगा। देखो प्लान किस तरह का, मैं यहाँ पे इंशाल्लाह 2 हफ्ते में मैक्सिमम जितनी क्लासेस ले सकता हूँ मैं क्लासेस लेके आपको इतना मैच्योर कर दूंगा, वहां पे आप जाके बैठे आप अनकंफर्टेबल फील। अच्छा फिर होगा क्या, जो आपका लॉस हो चुका होगा लॉस का सर आसान, लॉस नहीं है बेसिकली, वो जो भी आपका मिस हो गया होगा उसको कवर अप कराएंगे सर आसान। समझा की बात। इसी तरह से जब आप लोग एक पेस पे आ जाएंगे उन बच्चों के साथ जो एक रेगुलर बैच हमारा चल रहा है, ये तो समझे एक तरह से रिविजन है, तो उसमें फिर जब सर आसान तकरीबन 40-50% पोर्शन अपना करा रहे होंगे तो फिर मेरा भी तकरीबन 40-50% पोर्शन, तो इसका मतलब आप लोग के जो भी दुख तकलीफ परेशानी होगी ना हमने किसी और के हवाले नहीं कर रहे ना, यानी कि किसी और के हवाले कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको हमारी याद आ रही। आप हमारा यहाँ भी चेहरा देख रहे हो, जब मैं एफ आर वन के अंदर अपना पोर्शन कराने आ रहा हूँ तो वहां भी देख रहे हैं, तो मतलब हम कहीं बच के भाग नहीं सकते। तो इस सेशन में मुझे भी पता है सर आसान भी पता है कि ठीक ठाक हमारी मतलब से कहते हैं ना फेंट लगने वाले, क्योंकि वो पी आर ए सी की वजह से वो जो गैप क्रिएट हो गया ना, तो अगर उस गैप को हम छोड़ देते हैं तो आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाए, हो सकता है आपके अटेम्प्ट भी जाए, लेकिन उसके बाद जो पीआरसी के बच्चे आएंगे तो उनके लिए फिर ये इस तरह का सेशन अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पूरे प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल आ। एनीवेज हम अभी बात कर रहे हैं बैंक ओवर ड्रॉ। सुनो बेटा एक सिनेरियो बना रहा हूं जरा यार प्लीज देखिएगा, हम थोड़ी सी ब्रेक भी ले लें, कोई मसला नहीं, अभी क्या टाइम है 12:30 बजे मेरी क्लास 2 है, अभी तो टाइम है, अभी तो इतनी तो एनर्जी तो उसकी है। अरे हाँ लेकिन 2 बजे लगे मेरी क्लास। टैक्स कितने ले रहे हैं? जी अब्दुल राफे कुछ ना कुछ इसका इंशाल्लाह हो जाएगा, आपसे पायल से रब्ता कर लें, आपका जो मैसेज आया ना अब्दुल राफे टुडे आई एम वेरी लेट फॉर जॉइनिंग क्लास ड्यू टू सम नेट इश्यूज, ठीक है आपसे पायल से बात कर लेना, वो आपको रिकॉर्डिंग पे मेरे ख्याल से फोटो पे अपलोड हो ही जाएगी। सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है इधर सुन ले बेटा प्लीज, मैं आपका सप्लायर हूं सही है जी, मैं आपको माल बेचता हूं, हुआ कुछ यूं कि मैंने आपको 10 लाख रुपए का माल बेचा उधार पे और आपने मुझे जो है फला तारीख का चेक दे दिया, आपने मैंने आपको 10 लाख का माल बेचा उधार पे सही है जी, 10 दिन के उधार पे मेरे साथ रहिएगा, मैंने आपको 10 दिन के उधार पे कितने का माल बेचा बोले 10 लाख, आप खरीदार है मैं कौन हूं सेलर सप्लायर, मैंने आपको 10 दिन के लिए 10 लाख का माल किस पे बेचा बोलिए उधार, ठीक आपने क्या किया मुझे चेक इशू कर दिया 10वीं तारीख, ठीक क्या मेरे साथ हैं आप, समझ रहे सिनेरियो क्या हुआ, मैंने आपको माल कितने का बेचा 10 लाख का, कितने दिन के उधार पे 10 दिन के उधार पे, आपने मुझे सही है 10 या 11 तारीख का क्या दे दिया बोले चेक, और मैं आपको बहुत पुराना सप्लायर है मतलब आप मुझसे माल खरीदते हैं मुसलसल की बुनियाद पे रहते, अब हुआ कुछ यूं कि 10 दिन गुजर गए, मैंने वो चेक जो आपने मुझे दिया था गया आपने बैंक में जाके जमा करा दिया, बैंक वाले का फोन आया
सर वो ना पार्टी का चेक क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया। समझ रहे हैं क्या सिनेरियो चल रहा है? रिपीट करूं या दिमाग में बैठ गई बात? अच्छा, मैंने अपने चेक बैंक में जमा कराया, बैंक का फोन आया 102 दिन में, बोला सर वो चेक क्लियर नहीं हुआ, वो चेक हो गया बाउंस। मैंने बोला यार वजह क्या है? सर वो पार्टी के अकाउंट में ना पैसे नहीं। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक हमें इंटीमेट कर देता है कि वो साइन सही नहीं थी, डेट आगे की थी, पीछे की थी, या ओवर राइटिंग थी वगैरह वगैरह। मैंने पूछा भाई क्या? सर वो पार्टी के अकाउंट में चेक, वो पैसे नहीं। मैंने फिर आपको फोन किया, मैंने बोला सर देखें अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जाहिर सी बात है जब पेमेंट किसी की भी रुकती है तो मूड खराब तो हो ही जाता है। मैंने आपको फोन किया, मैंने बोला यार ये तो आपका चेक बाउंस हो गया। अच्छा आपने बोला है, क्या बोला है? आपने फिर अपने बैंक को फोन किया, यार वो मेरे अकाउंट में क्या पैसे नहीं पड़े? मैंने चेक इशू किया था पार्टी को 10 लाख रुपए का, तो क्या क्लियर नहीं हो? सर आपके अकाउंट में तो मुश्किल से 4 लाख रुपए पड़े। मैंने फिर बैंक से, यानी कि आपने बैंक से पूछा यार वो जो पेमेंट हमारी 7-8 तारीख को आनी थी 10-12 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, तो क्या अभी तक वो आई नहीं है? तो बोला सर वो पेमेंट अभी तक आई नहीं है। क्या मेरे साथ में मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि आपके अकाउंट में पड़े हुए कितने थे? 4 लाख। चेक इशू कितने का किया? 10 लाख का। आपको पता था कि 7 से 8 तारीख या 10 तारीख के अंदर एक बड़ी पेमेंट आनी है 15-20 लाख की, तो वो जो आपने 10 लाख का चेक मुझे दिया है आराम से वो क्या हो जाएगा? बोले क्लियर हो जाएगा। आपके अकाउंट में कितने पड़े हुए अभी? 4 लाख। चेक इशू कितने का किया? 10 लाख का। 7 या 8 तारीख को यानी कि 10 तारीख से पहले आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए मजीद आने हैं, तो 20 लाख अगर आ जाते तो अकाउंट में कितने पड़े होते? 24। तो उसी बुनियाद पर आपने मुझे कितने का चेक इशू किया? 10 लाख का। जब 10 से 11 तारीख को मैं अपने बैंक में चेक जमा कराने गया, 2 दिन लगे, बैंक ने बोला सर पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं है। मैंने आपको फोन किया, मैंने बोला भाई वो चेक क्लियर नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए। शर्मिंदगी का बाइस बना है सिनेरियो, बन गया। किसके लिए? आपके लिए। आपने बैंक को फोन किया, क्या यार वो चेक क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब आपका मेरा रिलेशनशिप खराब होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पैसे टाइम पे क्लियर नहीं हुए। और हिस्ट्री ये रही थी कि कभी भी आपका चेक जो है वो बाउंस नहीं हुआ। तो मार्केट में अगर चेक बाउंस होते हैं इस तरह से तो आपकी गुडविल जो है वो डैमेज जरूर होती है। अब आप अपना दुखड़ा बैंक के पास लेके गए या बैंक ने आपको बोला सर आप मेरे पास आए, जरा मैं आपको सोल्यूशन बताऊं। अगली दफा इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊं। और तो आपने मुझे क्या बोला कि यार अब फला तारीख को आप जाए आराम से चेक क्लियर करा दे, मसला नहीं हुआ, क्योंकि वो पेमेंट 10 तारीख के बजाय, 10 तारीख से पहले आने के बजाय वो 12 तारीख को क्लियर हुए, और आपने मुझे फोन करके बोला जाए चेक को रिप्लेमेंट करते हैं, हम आपका चेक हो जाएगा क्लियर। क्या आप मेरा सिनेरियो समझ रहे? नहीं समझ रहे मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा ये मामला तो चले सेटल हो गया मेरे हवाले से कि मेरा चेक मैंने रिप्रेजेंट किया 10-12 तारीख को, आपने मुझे बोला और मैंने चेक जमा कराया, वो चेक तो हो गया क्लियर। लेकिन आपको एक सदमा लग गया कि यार आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हमारा चेक बाउंस हुआ हो, तो ये कैसे हो? अब आप गए बैंक के पास, बैंक ने बोला कि सर हम आपको एक अपनी सर्विसेज से आगाह कर दें। हमारी सर्विस कुछ इस तरह से होती है कि आप चूंकि माशाल्लाह किस्म के हमारे कस्टमर हैं और सारे ट्रांजेक्शन सारे अकाउंट आपके और आपके एम्प्लॉयज के हमारे पास हमारे बैंक में खुले हुए हैं, तो सर हम आपको एक सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, अगर आपको समझ आए तो ऑफर ही ले लीजिएगा। मैंने बोला क्या सर्विस है? आपने बोला क्या सर्विस? सर एक सर्विस है जिसको हम लोग नाम देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का। आपने पूछा ये क्या होता है? उसने बोला सर देखिए हमने आपको पूरा स्टडी किया और हमने डिसाइड ये किया है कि आपके अकाउंट में अगर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और आप अपने किसी भी सप्लायर को 10, 12, 15, 20, 50 लाख की का पेमेंट का चेक इशू करते हैं सर आपके अकाउंट में 0 भी पड़े हो ना, तो सर वो चेक जब हमारे सामने आएगा ना तो हम चेक बाउंस नहीं करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। क्या ये सिनेरियो समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी कि आप अगर बैंक से फैसिलिटी लेते हैं, कैसी फैसिलिटी? कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, लेकिन बैंक जो कि आपकी रेपुटेशन को देखते हुए, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, आपके सारे पुराने रिलेशनशिप को देखते हुए बैंक ने आपको ऑफर किए कि भाई आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए ना, और ये सिनेरियो आता है तो हम आपको गंदा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे? देख रहे होंगे आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन चूंकि आपने हमसे ये सर्विस ली भी होगी, सही है, तो हम क्या करेंगे? उस चेक को जो है क्लियर कर देंगे। आपने पूछा बैंक से कितनी लिमिट मुझे आप देंगे? तो बोला सर हमने जो आपके लिमिट कैलकुलेट की है, हमारे जो एक्सपर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं उन्होंने बोला 50 लाख। उसका मतलब अगली दफा अगर ऐसा सिनेरियो हुआ और आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़े हुए और 10-12-15 लाख का चेक आता है बैंक के सामने आया, तो बैंक देख रहा होगा आपके अकाउंट में कितने पड़े हुए, 0। लेकिन चूंकि आपने बैंक से वो फैसिलिटी ली हुई होगी तो बैंक क्या करेगा? आपको
आपके अकाउंट से पेमेंट करेगा, किसको? आपके सप्लायर को, और आप गंदे होने से बच जाए। अब हुआ कुछ यूं कि अगर बैंक ने 15 लाख की पेमेंट आपके बिहाफ कर सप्लायर को कर दी, जिसका मतलब आप बैंक बात समझ आ रही है? कोई बहुत साउंड सॉलिड पार्टी होगी तो बैंक बोलता है कि सर हम आपसे ना भाई उससे ज्यादा कमा रहा होगा आपसे दूसरी ट्रांजेक्शन से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नॉर्मली देखा क्या गया है कि जब भी बैंक देता है किसी को रुपया भी एक बात उससे वसूली इंटरेस्ट की सूरत में या किसी ना किसी सूरत में। आपको जब भी आपका बैंक का बैलेंस किस में चले जाएगा बोलिए? नेगेटिव में चले जाएगा। नेगेटिव में चले जाएगा कैसे जा सकता है बैंक का नेगेटिव में बैलेंस? जब आपने कौन सी फैसिलिटी ली होगी? बोले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली होगी। और ये वो अमाउंट है जिसकी अदायगी आपने कितने टाइम में करनी है बोलिए? 12 महीनों के अंदर करनी है। तो इस तरह की फैसिलिटी को हम लोग नाम क्या देते हैं बोले? बैंक ओवरड्राफ्ट का या बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ये वाली बात कुछ कुछ समझ आ गई? नॉन करंट लायबिलिटीज के हवाले से लिखिएगा। आसान अल्फाज में लिख देते हैं, ऑल दोज लायबिलिटी दैट आर नॉट करंट लायबिलिटी, ऑल दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट ठीक है जी। क्या लिखा? ऑल दोज लायबिलिटीज दैट आर नॉट करंट लायबिलिटी जी, क्या लिखेंगे इसमें? ऑल दोज लायबिलिटीज दैट आर नॉट करंट लायबिलिटी आर नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, एग्जांपल लिख लें आप, लॉन्ग टर्म लोन्स खाली लॉन्ग टर्म लोन्स ही लिखते हैं भैया। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या समझ आती है बात? जिसकी अदायगी आपने 12 महीनों के बाद करनी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? आप सॉरी, आपने एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें नॉन करंट और करंट आसान अल्फाज में हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी क्या है जिसकी अदायगी 12 महीनों में करनी है, और नॉन करंट क्या है जिसकी अदायगी 12 महीनों के बाद। सिंपल अल्फाज, लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, एक ऐसा अमाउंट जो हम लोग किसी को ओ करते हैं। क्या ये वाली बात समझ आ रही? एक ऐसी चीज जो हम किसी को क्या करते हैं बोले? ओ करते हैं। एक वर्ड होता है ओ डब्ल्यू ई और एक वर्ड होता है ओ डब्ल्यू एन, दोनों में फर्क है। ओन किस में आ रहा होता है? एसेट्स में आ रहा होता है। और ओ का वर्ड जो है, ओ डब्ल्यू ई का वर्ड जो है वो किस में आ रहा होता है? लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी क्या है जिसकी अदायगी 12 महीनों के अंदर अंदर करनी है, ठीक। नॉन करंट क्या है जिसकी अदायगी 12 महीनों के बाद करनी है। मिसाल के तौर पे आपने मुझसे 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया और कंडीशन ये थी कि हर साल के एंड में आप मुझे कितनी अदायगी कर देंगे? 1 लाख रुपए, कोई इंटरेस्ट नहीं। रिपीट करूं, आपने मुझसे कितने साल के लिए लोन लिया? 5 साल के लिए। कितना? 5 लाख। एग्रीमेंट क्या हुआ है? हर साल के एंड में आपने कितनी अदायगी करनी है बोली? 1 लाख। अब मुझे बताएं, पहले साल के एंड पे आप आ गए, बताएं कितना पे करेंगे? 1 लाख। पहले साल के एंड में आगे कितना पे करेंगे? 1 लाख। कितना रह गया? 4 लाख, ठीक है जी। अब इस 4 लाख की अदायगी आगे आने वाले सालों में करनी है, अगले साल कितनी करनी है उस 4 लाख में से? 1 लाख। और बकिया जो 3 लाख है उनकी अदायगी कब करनी है? उसके आगे वाले सालों में। मेरे साथ रहिएगा। आपने कितने साल के लिए लोन लिए? 5 साल के लिए। कितने का?
5 लाख। क्या कंडीशन है? हर साल के एंड में कितना देना है? 1 लाख। पहले साल के एंड में आगे कितना दे दिया? 1 लाख। बचा कितना? 4। तो लायबिलिटी टोटल कितनी है? 4। इसमें से वो अमाउंट जिसकी अदायगी आपने 12 महीनों के अंदर करनी है वो क्या हो जाएगा? करंट। और जो रह गया बोले कितना? 3 लाख। इसकी अदायगी 12 महीनों के बाद करनी। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब हम यहां पे यू भी लिख सकते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स भी हमारे पास यहां पे आ सकते हैं। एक्सेट्रा को मैंने काट दिया, अभी ये लिख दिया। और जो अमाउंट बकिया रह गया कितना रह गया? 3 लाख। 5 लाख लिया था, कंडीशन ये थी हर साल के एंड में लाख दे देंगे। पहले साल के एंड में आ गए, कितना रह गया? 4। 4 लाख में से जो 1 लाख है अगले 12 महीनों के अंदर उसको पे ऑफ करना है, तो जो रह गया 3, ये कब होगा? अगले 12 महीनों में नहीं, 12 महीनों के बाद होगा। तो वो अमाउंट जिसकी अदायगी आपने 12 महीनों के बाद करनी है वो किधर आएगा? नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। और वो अमाउंट जिसकी अदायगी 12 महीनों के अंदर करनी है वो किधर आ जाएगा? बोले करंट लायबिलिटी में आएगा। सिंपल सीधी वाली बात। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, बता दो। जैसे अगले वीक से इस टाइम पे हमारी क्लास, जैसे आज कोई 12 साढ़े 12 बजे, तो अगली दफा मैं ये करूंगा कि आप लोग क्लास में 10 बजे से लगाऊंगा, 2 बजे तक या 1:30 बजे तक। समझ रहे बात? लगानी थी मुझे इस तरह से आज भी, लेकिन बोला ये गया कि आज फिलहाल इस तरह से जाने थे, और फिर ऑनवर्ड जो क्लासेस होंगी लाइक 12 बजे, और अगर 10 बच्चे कोई भी क्लास नहीं हो रही होगी तो मैं आपको 10 बजे बुला लूंगा, ताकि हम जल्द से जल्द जो है ना सारा बेसिक वाला एरिया कवर अप करें। अच्छा जी, एक वर्ड है, टाइम भी है हमारे पास, कैपिटल या इक्विटी। कैपिटल या इक्विटी, ठीक है जी। इसको उर्दू में हम क्या बोल सकते हैं? सरमाया बोल सकते हैं। रिसोर्सेस रिसोर्सेस सप्लाई, मैं एक पैरा भी बना सकता था, मैंने अपनी बात को जरा तोड़ा ताकि याद करने में जो है ना वो आसानी हो, यानी कि अगर कोई चीज भूल भी जाते हैं ना एटलीस्ट एक अल्फाज तो याद रह जाए, अदरवाइज वो पैराग्राफ होगा तो हम वो पूरा उसको रटने के चक्कर में रह जाए। रिसोर्सेस का मीनिंग जो समझ चुके हैं ना वो बदलेगा नहीं। ठीक, एग्जाम्पल ले दी, कैश, इक्विपमेंट, मशीनरी, व्हीकल, वो सब मतलब एसेट्स सप्लाइड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। इसको लेते हैं ओनर। ठीक,
बिजनेस, ठीक है जी। ओनर मतलब आप, आपने कारोबार में मिसाल के तौर पे 100,000 के रिसोर्सेस सप्लाई किए, ठीक, ऐसी कुछ नजर आ रहे बातों से? रिसोर्सेस जो कौन सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? ओनर। किधर? बिजनेस, ठीक। अगर इन तीन बातों को मैं एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूं तो आपको क्या दिख रहा है? ये रहा ओनर, ये ओनर, और किधर? बिजनेस। क्या चीज? रिसोर्सेस। प्लीज समझना बात, ओनर में रिसोर्सेस कहां लगा है? बिजनेस। डन। इसी बात को मैं जरा डायग्राम बना, ओनर ने यहां से क्या नजर आ रहा है? ओनर ने कारोबार में रिसोर्सेज लगाए, या ओनर ने रिसोर्सेज कारोबार में लगाए, बात एक ही बनती है ना। तो इसी चीज को मैं जरा यहां दिखा रहा हूं, ओनर ने कारोबार में 100,000 वर्थ के क्या लगाए, बोलिए, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मिसाल के तौर पे सर कुछ था कैश, कुछ थी मशीनरी एटसेट्रा। क्या ये वाली बात समझ रही? अच्छा, अब मुझे बताएं, सिर्फ इस डायग्राम को देखते हुए कि क्या ओनर और बिजनेस एक है या अलग है? एक है या अलग है? अलग है। लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ओनर और बिजनेस अलग हो? सर खुदा की कसम ये है मेरा ही बिजनेस, ठीक, लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो हम अपनी जाती एक्टिविटीज को कारोबार की एक्टिविटीज से अलग रखते हैं। तो अगर मैं किसी को बोलूं भाई ये तू अलग है, तेरा बिजनेस अलग है, वो तो मुझे मारेगा, ठीक। अगर मैं बोलूं भाई ये आप है और ये आपका बिजनेस है, और यहां पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है, वही वाली बात है। ये आप है, आपका बिजनेस है, और यहाँ पे कारोबार हो रहा है, काम हो रहा है। मैं क्या बात समझा रहा हूं कि ये आप है, ये आपका कारोबार है। आपने बोला ये कैसी बात कर रहे हो भाई, ये मैं और मेरा कारोबार एक, क्या बात कर रहे हो? क्या ये वाली बात समझ आ रही? मैं जो एक फड्डा डाल रहा हूँ, ये आप है और ये आपका कारोबार है, वो भाई पागल हो गया, बोल रहे हैं कि मैं अलग हूं मेरा कारोबार अलग है। मैंने बोला सर देखें, क्या आप अपने बिजली का बिल जो घर का है कारोबार का खर्चा मानते हैं? क्यों मानूंगा, ठीक। सर जो कारोबार में आपने फर्नीचर डाला, क्या आप उसको बोलेंगे कि मेरे घर का खर्चा है? मैं पागल हो गया हूं क्या? क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो मैंने बोला सर मैं भी तो यही बात बोल रहा हूं कि आपके घर का जो बिजली का बिल है, आपके घर में जो खाया पिया जा रहा है, वो आपका घर का खर्चा है, कारोबार का थोड़ी है। और कारोबार में अगर आप एक रुपया भी लगाते हो तो आपको बदले में किसी चीज की उम्मीद होती है कि रिटर्न मिलेगा। कारोबार का मतलब क्या है? बिजनेस करने का मकसद क्या है यहाँ पे? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक। घर में अगर बिजली का बिल देते हैं तो वहां पे आपका मकसद ये नहीं है कि प्रॉफिट आपको अर्न करना है, लेकिन आप कारोबार कर रहे हो तो वहां पे आपका एक रुपया भी अगर लगता है तो आप बदले में क्या उम्मीद लगाते हो? कि मुझे रिटर्न मिलेगा। तो सुनो बेटा, मैंने आपसे पूछा कि आपने कारोबार शुरू किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है? बोले 100,000। कितने की इन्वेस्टमेंट की है? 100,000। अब थोड़ा सा मैं नाटक कर रहा हूं, बल्कि आप मुझसे पूछें, आप मुझसे पूछना, सुना है आपने कारोबार स्टार्ट किया है तो कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट की है? ये अल्फाज बोलो, बिल्कुल सही सुना है, मैंने कारोबार में 100,000 की इन्वेस्टमेंट की, सही है। फिर से आप मुझसे सवाल करें, प्लीज सवाल कीजिए पूरा पूरा। सुना है आपने कारोबार शुरू किया है, सही है नहीं? तो कितना इन्वेस्ट किया? जवाब, मैंने कारोबार में 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की, सही है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सुना है आपने कारोबार शुरू किया है तो कितनी इन्वेस्टमेंट की? पूरा अल्फाज बोलना, मैंने कारोबार में 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की। फिर से हम ड्रामा रचा रहे हैं। सुना है आपने कारोबार शुरू किया, कितना इन्वेस्ट किया? मैंने कारोबार में
एक लाख इन्वेस्ट किया, मैंने बोला बच्चों पकड़े गए अपनी इस स्टेटमेंट से, यही बोलेंगे ना, मैंने कारोबार में 1 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने कारोबार में 5 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने कारोबार में 10 लाख इन्वेस्ट किया। तो मैंने बोला बच्चों तुमने ये बात जो बोली ना, ठीक, मैंने यही से आपकी बात पकड़ ली, और बात क्या पकड़ी, मैंने बोला तुमने अपने आप को कारोबार से अपनी जबान जो दी है ना इसमें अलग कर दिया। मैंने बोला कैसे, तुमने क्या बोला, मैंने कारोबार में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ठीक। इसका मतलब तुम्हारी इसी स्टेटमेंट से जाहिर यह हो रहा है कि तुम अलग हो और तुम्हारा कारोबार अलग, ठीक। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? अभी मैं कॉन्सेप्ट का नाम देने वाला हूं, तभी मैं इसके पीछे इतना ज्यादा लगा हूं, एक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट आता है, इसकी मैं भी बात करने वाला हूं कि तुम अलग तुम्हारा कारोबार अलग, ऑल्दो ये तुम्हारा ही कारोबार है, लेकिन जब तुम रिकॉर्डिंग करते हो ना तो उस वक्त तुमने सिर्फ किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, अपनी जाति ट्रांजेक्शन को, अपनी जाति एक्टिविटीज को रिकॉर्ड नहीं करना। क्योंकि जब तुम यहां कुछ लगाते हो तो बदले में तुम कुछ रिटर्न भी की उम्मीद भी लगाते हो। क्या ये वाली बात समझ आई? सुना है तुमने कारोबार शुरू किया, कारोबार में कितना लगाया लास्ट टाइम? मैंने कारोबार शुरू किया और मैंने उसमें मैंने कारोबार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आप इसी स्टेटमेंट से मैंने क्या किया, आपकी बात को डायग्राम की शक्ल दे दी है। मैंने 1 लाख वर्थ कारोबार, 1 लाख की चीजें मैंने कहां लगाई, बोले कारोबार। इसका मतलब आप अलग और बिजनेस और हो गया, अलग हो गया। अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बुनियादी कॉन्सेप्ट, तभी मैं इतनी कहानी को खींच रहा था, ठीक। अगर मैं किसी को बोलूं भाई ये तू और तेरा कारोबार अलग है, वो बोले पागल हो गए, कैसे हो सकते हैं, तो मेरे ही कारोबार। अब उस बात को क्लियर करने के लिए मैंने जरा से नाटक किया कि है आपका ही कारोबार, लेकिन जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो उस वक्त हम लोग अपनी जाती एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटीज के तौर पर ट्रीट नहीं करते। ये सिर्फ एक मकसद था और यहाँ पे मुझे शाबाशी दी किस कॉन्सेप्ट में आके, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो उसने बोला मैंने भी यही बात कही है, बिजनेस जो है वो ओनर से जुदा है। अगर ये बात मैं पहले कर देता और फिर उसकी वजाहत करता तो भी सही था। मैंने क्या किया, पहले वो सिनेरियो खींचा और उसके बाद मैंने आगे इसकी मोहर लगा दी। आप समझ गए कि वो बोलना क्या चाह रहा है और इसका मकसद क्या है कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग, सिर्फ किस पर्पज के लिए, अकाउंटिंग पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए, रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना वो किसकी, किस ट्रांजेक्शन से करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई होप सो आपको ये बात समझ। अच्छा जी, अब क्या हुआ, सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज, अब देखना है। इसने माल सप्लाई किया, इसने सर्विसेज दी, बिजली पानी गैस किसको दिया, बोले। अभी आप ये देख रहे हो कि बिजनेस बड़ा शेड पोजीशन में बैठा हुआ है, बोला भाई लगाओ पैसा दो सर्विसेज, ठीक। तो बाबा मुझे बताएं, सिर्फ वन साइड तो नहीं होती ट्रांजेक्शन, अगर हो रही है तो बदले में हमारी भी कुछ रिटर्न में अदायगी करनी होगी, ऑब्लिगेशन की सूरत बनेगी। अब आप मुझे बताओ, आपने बिजली इस्तेमाल की, सही सर्विसेज आ गई, बदले में कुछ दोगे तो बिल है उसकी अदायगी करनी पड़ेगी, नहीं तो बिजली कट जाएगी। माल खरीदा उधार पे अगर नहीं दोगे उसका पैसा, तो भाई एक तो वो तुम पे केस कर देगा और तुम्हें मार्केट में कोई माल सप्लाई नहीं करेगा उधार, ठीक। ये बहुत नॉर्मल सा सिनेरियो है। हियर कम द बिजनेस, अब देखो ये रहा बिजनेस, ओनर ने लगाया यहां पे, ठीक है जी, आ गया, यहां से माल खरीदा, सर्विसेज आई, आ गई, अब बिजनेस के पास तो आ गई, लेकिन ये क्या बोलता है, ये भी बिजनेस को बोलेगा कुछ और ये भी बिजनेस को बोलेगा कुछ, ठीक है। वो बोलेगा बेटा माल तो सप्लाई किया है, सर्विस दी है, पैसा दो, ठीक। अब बिजनेस बोलता है कि मेरी तुम्हारी तरफ ऑब्लिगेशन है कि 1 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल की है,
सर्विसेज तुमने दी, 2 लाख रुपए का माल खरीदा उधार पे, टेंशन ना लो। वो जो बहु आ रहा होगा ना, देखा होगा, कौन सा बहु है वो? इंडियन बहु। अब देखो, बिजनेस जब सर्विसेज लेगा, माल लेगा, तो बिजनेस की बदले में इनकी तरफ कुछ ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी होगी भी या नहीं होगी, बताओ यार। सिंपल होगी। इसका मतलब जब बिजनेस ने माल खरीदा उधार पे, सर्विसेज ली उधार पे, तो बिजनेस के पास वो सर्विसेज भी आ गई, वो माल भी आ गया। अब बिजनेस जिम्मेदार है कि उनको उनका पैसा जो है वो लौटाए। इसका मतलब बिजनेस की इनकी तरफ बोलो शाबाश क्या है, बोलिए, लाइबिलिटी। 1 लाख का माल खरीदा 1 महीने के उधार पे, किसने? बिजनेस ने। तो इसका मतलब बिजनेस को पता है कि 1 महीने के एंड में 1 लाख रुपए की अदायगी इनको करनी है। टाइम क्या है बोलो? 1 महीना। अमाउंट कितना है बोले? 1 लाख। किसी से और माल खरीदा 50,000 रुपए का 3 महीने के उधार पे, माल आ गया, कितनी अदायगी करनी है, कब करनी है, कितनी अदायगी? 50,000। कितने महीने? 3 महीने। इसका मतलब जब बिजनेस इन लोगों के साथ लेन देन करता है, तो बिजनेस को पता है कि कब और कितना अमाउंट अदा करना है। तो इसका मतलब बिजनेस खाली रिसीविंग एंड पे नहीं है, ठीक, पेबल भी है और पेइंग एंड पे भी आ। तो इसका मतलब यहां से आया और यूं जाएगा, डन। तो फिर अब ओनर की नियत खराब हो गई। उसने बोला, भाई जब तूने बोल दिया तू अलग, मैं अलग, यानी ये भी अलग, तो तू जब इसकी तरफ जिम्मेदारी क्रिएट करने को तैयार बैठा हुआ है, सही है नहीं? तो भाई मैंने भी तो तुझ में पैसा लगाया, मैंने भी तो तुझ में पैसा लगाया, ठीक, डन। तो तू भी तो मुझे बदले में कुछ दे, तभी तो मैं तुझ में पैसा लगा रहा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? तो बिजनेस की आवाज आई, मुझे पता है कि तूने ये बात एक ना एक दिन जरूर बोल ली थी, लेकिन सुनो, जब बिजनेस बोल रहा है, जब इन लोगों के साथ वास्ता पड़ा तो अमाउंट भी मालूम था कितना देना है, और वक्त का भी पता था कि कब देना है, ठीक। लेकिन मैं तुमसे ये वादा तो करता हूं कि तुम्हें कमा के दूंगा, दूंगा कमा के तो दूंगा, शर्त यह है कि तू भी सही से मुझे चला। दूंगा कमा के, लेकिन कब दूंगा, कितना दूंगा, इसका वादा नहीं। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? ठीक। तो बिजनेस ने बोला, ठीक है, इतने भाषण जानने के बाद मैं एज अ बिजनेस अपनी एक लायबिलिटी तस्लीम कर रहा हूं कि तुझे मैं कमा के दूंगा, लेकिन कब दूंगा, कितना दूंगा, ये नहीं बोलता। ठीक, कब दूंगा, कितना दूंगा, ये नहीं बोलता। अब हमने उस सिनेरियो को जायजा लिया, तो हमने बोला, हाय बेचारा बिजनेस, लायबल है टुवर्ड्स सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाय बेचारा जिम्मेदार है टुवर्ड्स लायबल ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज व्हिच वाज सप्लाइड बाय द ओनर। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिजनेस जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टुवर्ड द सप्लायर ऑफ द रिसोर्सेज व्हिच इज ओनर, ठीक, हमने इन दोनों सिनेरियो को डिस्टिंग्विश करने के लिए बताएं, बिजनेस इसकी तरफ है जिम्मेदार, बिजनेस इसकी तरफ है जिम्मेदार, लेकिन दोनों लोग अलग हैं, ये अलग है और वो अलग है, दोनों के आगे क्या ठप्पा लगा, लायबिलिटी, क्या ठप्पा लगा, लायबिलिटी, लेकिन इस लायबिलिटी को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्पेशल लायबिलिटी। जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिजनेस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ओनर एंड बिजनेस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जस्ट टू डिस्टिंग्विश, दोनों लायबिलिटीज हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने क्या बोला, स्पेशल लायबिलिटी। तो जब ओनर कारोबार में सरमाया लगाता है, सही है नहीं, तो बिजनेस बोलता है हाजिर, जिम्मेदारी है, और जब बिजनेस माल खरीदता है सप्लायर से उधार पे, सर्विस लेता है उधार पे, हाजिर, जिम्मेदारी है। बिजनेस इन दोनों सूरत हाल में क्या है, लायबल है। तो जब बिजनेस लायबिलिटी होगी टूवर्ड्स ओनर, दैट इज नोन एज
कैपिटल एंड कैपिटल इज ए स्पेशल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर. कैपिटल इज ए स्पेशल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर. वो कैसे? जब आपने कारोबार में सरमाया लगाया, कितने का बेटा बोलो, 1 लाख का आ गया बिजनेस में, वो सरमाया आ गया, सही है नहीं? पैसा आ गया, मशीनरी आ गई, तो क्या खाली बिजनेस रिसीविंग एंड में होगा? नहीं, अभी तो हमने बात की थी बिजनेस नजर तो आ रहा था शुरू में रिसीविंग एंड पे, ठीक, लेकिन फिर हमने अल्टीमेटली क्या देखा कि बिजनेस बोलता है भाई मैं पेमेंट एंड पे भी आऊंगा और ये वाली बात उसने समझाई, लेकिन कब कितना इसका वादा उसने नहीं किया, लेकिन कब कितना इन लोगों से वादा किया है, तभी तो वो मां सप्लाई करेंगे, तभी तो वो लोग सर्विस देंगे. तो इसका मतलब व्हाट इज कैपिटल? रिसोर्सेस नंबर वन. रिसोर्सेज मतलब कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लैंड, मशीनरी वगैरह वगैरह, कमाने के जराए जो किधर लगाए हैं बोलो, बिजनेस में. समझ रहे हो बात? कारोबार करने के लिए यार कुछ तो जरिया होगा ना, ऐसे थोड़ी मुंह की फायरिंग करूंगा एकदम दुकान चल जाएगी. तो सर कमाने के जराए जो कारोबार में मैंने लगाए, ठीक, क्या ये वाली बात समझ आई? किधर लगाए? कमाने के जराए जो के ओनर ने किधर लगाए. ये इतनी सी बात है, हमने बात को बहुत खींचा है, क्योंकि देखो पता है क्या, थ्रू आउट अकाउंटिंग की जिस लेवल में भी क्लास होगी, चाहे FAR 1, अभी जैसे CAF 1, CAF 5 और CFAP, तीन जगह आपने अकाउंटिंग पढ़नी है, अगर PRC में पढ़ी होती तो 4 जगह अकाउंटिंग. ये वो अल्फाज हैं, किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन अल्फाजों में से किसी एक का भी जिक्र ना हो. ये वो अल्फाज हैं जिसकी बुनियाद पे पूरी अकाउंटिंग खड़ी हुई. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से बताइए, ये पेबल एसेट है या लाइबिलिटी है? सर आपको नहीं पता? नहीं पता सर, ये तो एसेट होता है. मैंने बोला RBI की जवाब बैठ जाओ. आप लोग बात समझ रहे हैं ना? अब देखो एकदम आप चौकन्ने हो गए कि भाई पेबल जो है वो तो लाइबिलिटी है, एसेट थोड़ी है. लेकिन जिसने बस ऐसी बात को रटा होगा ना, वो इसी कंफ्यूजन में होगा कि यार पेबल एसेट होता है या लाइबिलिटी होती है. बेसिकली डिस्कशन को खींच खींच के करने का मकसद ही सिर्फ मेरा ये है, ताकि वो बातें जो है ना आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि इन्हीं बुनियाद की बेसिस पे वो लोग जो जानते होंगे जर्नल एंट्रीज जो बनती है, जर्नल एंट्रीज टोटली किस जर्नल एंट्रीज के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होंगे वो यही है. जब आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे तो अप्लाई तो कर रहे होंगे डेबिट क्रेडिट पता नहीं क्या होता है उसके रूल, लेकिन हमें यही नहीं पता होगा कि यार ये एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है. तो उसको हम पहले पहचानना चाह रहे हैं. अभी भी हमारे पास कितने टर्म्स रह गए, उसके से आधा घंटे का डिस्कशन रह गया है. कौन सा? रेवेन्यू के हवाले से और एक्सपेंसिस के हवाले से. और रेवेन्यू एक्सपेंसिस के हवाले से हम वैसे भी कुछ हल्का फुल्का जानते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कल जो क्लास होगी उसमें रेवेन्यू एक्सपेंसिस आधे घंटे में डिस्कस करके हम अपना डबल एंट्रीज वाला काम शुरू करें. और कल की क्लास से जो है ना स्पीड हमारी तेज होगी. मैंने आपसे बोला था ये जो शुरू का थियोरेटिकल सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से कल जो बोरिंग था आज शायद इतना बोरिंग ना हो. अब हमने आगे इंशाल्लाह कल की क्लास में स्पीड पकड़नी. ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़.